हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक है वीरभूमि पर कुछ दिन, और ये हिंदी लोक भारती बुक द्वारा लिया गया है, और जो इसके लेखक हैं, रचयिता हैं, वो रुक्मणी संगल जी है। वीरभूमि, वीरभूमि यानी जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है, जहाँ पे जो वीर जवान शहीद होते हैं, और जो जो हमारे इतिहास का एक हिस्सा होता है, उसे वीरभूमि कहा जाता है। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो उसके लेखक राइटर है वो रुक्मणी संगल जी है। अभी उनका जन्म 1 सितंबर 1945 बुढ़ाना उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उनका परिचय इस प्रकार है। विभिन्न रंग पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन, पत्रिकाएं मतलब जितने भी वो मैगजीन कह लीजिए, उसमें वो एक लेखन करते थे, और उनकी कुछ कृतियां हैं दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध प्रबंध, ऐसे उनके जो विशिष्ट कृतियां वो लिखा करते थे। इसमें कुछ कृतियां दी गई है, जैसे अपने परिवेश के ऐतिहासिक स्थलों के नाम ढूंढें, हमारे जो आसपास जितने भी ऐतिहासिक मतलब जहाँ पे कुछ ऐसा वर्ल्ड वॉर रिलेटेड या फिर जो हमारे पास्ट या फिर हमारे हिस्ट्री रिलेटेड है इंडिया के, उसके बारे में आपको जानकारी, और उसके बारे में कौन से वो जगह है उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है। भारत के विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक स्थलों के नाम बताने के लिए कहें, और जितने भी भारत में ऐतिहासिक स्थल है उसके नाम आपके इकट्ठे करने हैं। देखें हुए ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन एक दूसरे को सुनाने के लिए कहें, और आपके क्लास में और जो आपके मित्र हैं उनसे कहिए कि आपने जो जो ऐतिहासिक स्थल दिखे हैं उसके बारे में आप उन्हें एक दूसरे को बताने के लिए कहें। इससे उन ऐतिहासिक स्थलों का जो महत्व बढ़ेगा और उनके बारे में जानकारी भी सभी तक पहुँचेगी। वीरभूमि पर कुछ दिन, रुक्मणी संगल जी ने अपने इस पाठ में और अपने इस जो कहानी है इसमें क्या कहा है, हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी, भटिंडा, हनुमानगढ़, लाडगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौरी पहुंची, यानी एक राजस्थान का ये इसमें एक कहानी बताया गया है। यहाँ से मेड़ता पहुँचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए, क्योंकि कुछ खेत हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे। सायंकाल यानी शाम होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव था जोधपुर, और यो भी सायंकाल हो चुका था यानी शाम हो चुका था। जोधपुर पहुँचते स्टेशन के समीप होटल में एक कमरा मिल गया, सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताजा हो गए। 22 दिसंबर अल्पाहार यानी जैसे ही सुबह सुबह एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े। राई का बाग क्षेत्र में स्थित है उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन है। महाराजा उमेद सिंह द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था, इसीलिए इसे उमेद भवन कहा जाता है। छित्तर झील के पास होने से इसे छित्तर भवन भी कहा जाता है, क्योंकि यह छित्तर झील के जो पास है समीप है बसा हुआ, इसीलिए इसे छित्तर भवन भी कहा जाता है। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसके ऐश्वर्य विलास और अमोद प्रमोद के सभी साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 345 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया है, और एक भाग में शाही परिवार रहता है, यानी जो उनका जो महल था, चित्तर भवन था, उसमें अधिकतर कमरों को होटल के रूप में तब्दील कर दिया है, और जो एक बड़ा सा कमरा है उसके शाही परिवार के लिए रखा गया है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप व्यक्ति पर्यटन के लिए कम से कम 1,000 रुपया खर्च था, यानी वो इतना आलीशान था, इतना महंगा था कि वहां पर एक कप चाय पीने के लिए भी 1,000 रुपये खर्च करने पड़े थे। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है, यानी जो जमीन के नीचे, जिसमें वहाँ के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से वहाँ पे प्रस्तुत की गई है या संग्रह करके रखी गई है। भवन का जो मॉडल था वो भी प्रदर्शित किया गया। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी
जाती थी, यानी पहले के ज़माने में यानी पास्ट में जो हमारा हिस्ट्री है यानी इंडियन कल्चर है वो इतना रिच था कि उसे देखते ही लोग अपने को आकर्षित कर लेते थे, उसे देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाते थे और उसी की तरफ देखने लगते थे, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था क्योंकि अभी इसे अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। और जो दूसरा गंतव्य था वो है मंडोर गार्डन यानी मंडोर गार्डन। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडोपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वार द्वारा बनाया गया था। मांडोपुर का ये अपभ्रंश रूप मंडोर था। यहाँ बनाया गया भगवान कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण था। यानी जो मंडोर गार्डन था वहाँ पे भगवान कृष्ण की बहुत ही अच्छी और विशाल मूर्ति लगाई गई थी। और चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ीनुमा उद्यान यहाँ पर बनाए गए थे। यानी जो उद्यान था वो पहाड़ों के ऊपर बनाया गया था। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने थे। उद्यान में प्रवेश करते ही वहाँ के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्य पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों का जो मन है उन्हें प्रसन्न करते और उनसे कुछ क्षणिका की आशंका करते जान पड़ते थे। यानी राजस्थान का जो गीत होता है वो भी बहुत रिच है। यानी जो राजस्थान का आपकी ध्वनि सुनकर आपके मन में एक अलग ही अनुभव और अलग ही सुख प्राप्त होता है। इसीलिए वहाँ जो पर्यटन स्थान था वहाँ पे अलग अलग जो गीतकार थे उन्हें वहाँ पे लगाया गया था और वो अपने अपने गीतों से वहाँ पे पर्यटकों का स्वागत करते थे। रानी उद्यान की बाई और पहाड़ी की एक चट्टान पर वहाँ के वीरों और वहाँ के देवताओं की विशाल मूर्तियाँ बनाई गई थी। चट्टान को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया और यह दृश्य भी एकदम अनुपम था, अनोखा था। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरारगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा था। यानी हम पहले जो जोधपुर गए थे उसके बाद हम लोग मंडोर मेहरानगढ़ की ओर हमने प्रस्थान किया और वो जो किला था वो बहुत ही ऊंचा था, यानी 400 फीट ऊंचा, और जो उसकी दीवारें थी 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। इसका निर्माण कार्य 1569 में जोधाजी राव द्वारा करवाया गया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियाँ बनी थी, यानी एक तरह की जो खाली जगह होती है जहाँ से जो सैनिक होते हैं आसपास की जगहों पर नजर रखते हैं उसे परकोटे कहा गया है। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतेहपोल जैसे 3 द्वार एकदम भव्य द्वार बनाए गए थे। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे रह जाता था। यानी जो किला था इतना ऊंचा था कि शहर वहां से बहुत ही छोटा लगता था और बहुत ही नीचे रह जाता था। और हम काफी ऊपर तक आ गए थे। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का जो भव्य और मनोरम दृश्य था यहाँ से बहुत ही मन भावन लग रहा था। और ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में बनवाए गए थे। यानी जितने राजाओं ने जीता था उतने राजाओं ने वहाँ वहाँ पर अपने लिए एक प्रवेश द्वार बनवाया था। और द्वारों की दीवारों पर जो जौहर करने वाली वीरंगनाओं के हस्तचिन्ह भी बने थे। यानी जो उनकी जो रानियाँ थी और जो वीर माताएं थी उनके भी जो चित्र थे वहाँ पर बने हुए थे। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन थे, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलता खान, फतेह महल और रानी सागर आदि। इसमें कुछ जो विशाल विशाल भव्य और महल भी बनाए थे। कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम तो कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग से दरिया भी प्रदर्शित की गई थी। बैठक खाना यानी जहाँ पर बैठने की व्यवस्था की जाती है, दीवाने खास या दीवाने आम यानी जहाँ पर रंग रंग बिरंगे कार्यक्रम होते थे, जहाँ पे राजाओं के लिए बाहर से लोग यानी कार्यक्रम करने के लिए आते थे उसे दीवाने खास और दीवाने आम कहा जाता है। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थड्डा नाम में विख्यात स्मारक देखने चले गए। प्रवेश द्वार के एक और महादेव की मंदिर यानी जो हमारे भगवान शिव है उनका बहुत ही मंदिर था, बहुत ही विशाल। तो दूसरी ओर देव सरोवर था। यहाँ अनेक पक्षी भांति भांति चिड़िया चहचहाकर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान कर रही थी। और जो ये स्मारक था 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में यानी उनकी
याद में बनाया गया था। जोधपुर के इन सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला और मूर्तिकला को देखकर भारतीय कलाकारों का जो सम्मान है, उनके नमन करने का जो मन है, वो हमारा करता है कि जो इतनी अच्छी चित्रकारी, इतना अच्छा कला उन्होंने जो किया है, उसको लेकर हमें उन्हें नमन करने का मन करता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समय अस्ताचलगामी हो गया था, यानी वो सूर्य भी अभी डूबने वाला था। फलतः हमने भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया था। जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस में तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रातः यानी अगली सुबह को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम सिरसी होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल में स्वागत कक्ष में पहुंच गए, यानी आसीन थे। उसके बाद एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित किया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। और आपको, आप सभी को पता ही है कि बड़े बड़े होटलों में पूरा कार्यक्रम किस प्रकार तय होता है कि सुबह से लेकर शाम को जो पर्यटक आते हैं उन्हें क्या क्या करना है, कहाँ जाना है और किस प्रकार सभी चीज़ें व्यवस्थित की जाती है। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई, यानी जो वहाँ आस पास का जो नगर था, जो सिटी थी, वहाँ जाने का जो कार्यक्रम था वो तय हो गया। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने का गए वो पटवा की हवेली थी। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए इन हवेलियों का निर्माण कराया था। और जो उनकी पहली यात्रा थी वो जैसलमेर में वह थी। जो पटवा का हवेली यानी जो पटवा का महल था उसमें उनकी पहली यात्रा थी। और यह 18वीं सदी में व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए बनवाया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियां कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना थी। इसकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थरों के खंभों पर खड़ी थी। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शी जकोरे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी की कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता था। और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो कलाकृति की गई थी और अलग अलग जैसे प्राकृति का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों को सजाया गया था, वो पर्यटकों का आकर्षित करती थी। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ और मस्तिष्क में यह करिश्मा किया है। वे लोग भी एकदम उन कलाकारों को धन्य करने लगे जिन्होंने ही इन्हें बनाया है। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है जो होटल के 11 से 12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। यह सम ग्राम के 1.5-2 किलोमीटर पहले ही जीप से हमें उतार दिया, जहां कई सारे रेगिस्तानी जहाज, ऊंट अपनी जो सवारियां को प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी जो रेगिस्तान में आपने सुना ही होगा कि जो रेत का जहाज होता है उसे वह ऊंट होता है और ऊंट पे ही रेत में सवारी सब करते हैं और जितने पर्यटक हैं वह इनके ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम भी एक जहाज में सवार हो गए, यानी ऊंट में। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी थी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु, यानी वो सब सनसेट यानी सूर्यास्त देखने के लिए गए थे। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें ही कतारें, सभी पर नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी, फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक यह हमारा एक सफर था। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गद्दे जिन पर अपने पग 5-7 अंगुल नीचे धस जाते हैं, पंक्तिबद्ध ऊंटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगे पोशाकों में आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय से खुद दम साधे बैठे थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए थे जहाँ पे उन्हें सनसेट देखना था। वो सब वहाँ पहुँच गए। क्या अद्भुत दृश्य था। बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाखड़ा, चाट, पकौड़े जैसी अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता अपनी चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। वहाँ पे सभी व्यवस्था पूरी थी। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। अब अनेक पर्यटक अपने
कैमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए स्नद्ध थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रमणि होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था, साथ ही पर्यटकों के कैमरे भी में कैद भी। कुल मिलाकर वह जन सैलाब किसी महाकुंभ की याद ताजा कर रहा था। और वहां पे इतनी तादाद में लोग जमा हुए थे सनसेट देखने के लिए, वो एक जैसे लग रहा था जैसे ये कुंभ का कोई मेला हो। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े जो लगभग आधे प्रलाप पहले खड़ी थी। उस मार्ग में चलते हुए उन मखमली फोम के गद्दे की ये अनुभूति हो रही थी। जीप पर सवार हुए और आ गए जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम था, रात्रि भोज का जहाँ प्रबंध था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की गई, यानी जो सभी आजू बाजू बैठते हैं और जो बीच में फायर होता है उसे अग्नि प्रज्वलित वैसी की गई। तीन और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई और एक और प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का मंच बनाया गया। उसमें राजस्थान के माने जाने वाले कलाकार वहां की लोक संस्कृति को नृत्य नटिका और गायक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे थे। वह अद्भुत थी। देश विदेश से प्रस्तुत देने वाले यह संगम दृश्यों को भाव विभोर किए था। रात्रि भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी और जो उनके रात का खाना था वो भी एकदम पूरी तरह तैयार हो चुका था। भोजन में राजस्थानी व्यंजनों का जो वैविध्य था, यानी जो विविधता थी, वो सब पूरे राजस्थानी खाने की थी। सेल्फ सर्विस, जैसा रुचे फिर जितना रुचे लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए की तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। सब अपनी अपनी तरह से उस भोजन का आनंद उठा रहे थे। इन सब स्मृतियों में एक होटल के साथ होटल वापस आ गए। वहां से भी सामान उठाकर पुनः स्टेशन, फिर वही रात्रि यात्रा को पहुंच गए जोधपुर। फिर सभी वहां से स्टेशन की तरफ आए और फिर वहां से वो लोग फिर वापस जोधपुर के लिए निकल गए। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। फिर उन्होंने सोचा कि हम चित्तौड़गढ़ जाते और उन्होंने चित्तौड़गढ़ के लिए प्रस्थान किया और वह चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत एक वीर साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो जाता है। और जो चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते ही हमें एक वीर और साहसी पुरुष का जो हमारे मन में एक जो चित्र है वो एक जीवित हो जाता था, और वो थे हमारे महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने चित्तौड़ किले को बचाने के लिए अपने जान को निछावर कर महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण कभी नहीं किया था। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी हो, बच्चे और परिवार को भूखा रखना पड़ा हो, विशाल धरती सैया और खुला नील गगन चादर पर हार नहीं मानी, उन्होंने कभी किसी भी परिस्थिति में कभी हार नहीं मानी थी। और उन्होंने अपना जो किला था चित्तौड़गढ़, उसे हमेशा सुरक्षित रखा और कभी उसे दुश्मनों के हवाले करने के लिए कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वामी भक्त की याद ताजा हो जाती है, भामाशाह थे उनकी, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी थी। इसी शहर से मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी हुई थी। और जो कृष्ण की सबसे बड़ी जो भक्त थी वह थी मीराबाई, और उनकी यादें भी राजस्थान से जुड़ी हुई है। यो वह एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्तिभाव भरा दिखता है। यहाँ के बंदिशों की सजगता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीक होते हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग थे जो बहुत वीर थे और उन्होंने बहुत सारे त्याग किए थे, और इनके बारे में सुनकर बहुत एक अच्छा आनंद प्राप्त होता है। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, यानी जो चित्तौड़गढ़ किला था वो सभी गढ़ों में एक बहुत विशाल और ज्यादा महत्व रखने वाला किला था, इसीलिए उसे गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ नाम दिया गया था। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, फिर पद्मिनी महल, फिर जोहर कुंड,
कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दार्शनिक स्थल थे। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थकरों की प्रार्थनाएं, जो प्रतिमाएं हैं, वह वहां पे स्थापित की गई थी। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थरों से निर्माण की गई थी। पश्चिम की ओर बना रामपोल की किले का मुख्य प्रवेश द्वार था, और यहाँ पे जो मुख्य द्वार था उस द्वार का नाम था रामपोल, और ये पश्चिम दिशा की ओर बना था। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ थे, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में जो बनाया गया था। यहाँ जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीर जो वीर गणाय थी, वह जौहर की कहानी प्रतिबंधित की गई है। यहाँ के जो पार्क थे वहां पे भी महाराणा प्रताप जी की एक आकर्षक जो प्रतिमा थी चेतका पर स्थापित है। राजस्थान में इन तीन शहरों की यात्रा में एक गीत की कुछ पंक्तियां मुझे याद दिला दी, ऐसा वह सब कहने लगे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है धरती का गहना। संक्षेप में यही मैं कहूं कि यह वीरभूमि है जहां त्याग भी है, बलिदान भी है, शत्रु को परास्त करने की जज्बा भी है, तो कला की परख भी है, देशभक्ति भी है, इस भक्ति भी है, जहां जौहर है तो अपने स्वत्व पर सवित्व की रक्षा का आदर्श भी है, तो रंच मात्र भी अभिव्यक्ति न होगी, भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा सत सत नमन। ये उनके आखिरी लाइन थे जो उन्होंने अपनी भारत माता के लिए कहा था। कुछ कठिन शब्द यानी जो शब्द संसार दिए हैं, जैसे लोहपथगामिनी यानी रेल, जो हम आज रेल के रूप में यानी जो हमारा ट्रेन है उसको पहले लोहपथगामिनी के रूप में जाना जाता था, और जो इसका रेल का जो हिंदी शब्द है उसे लोहपथगामिनी कहा जाता है। दूसरा है जौहर, चिता में सामूहिक आत्मदहन। जौहर का मतलब होता है एक साथ चिता को जलाना, यानी जिनकी मृत्यु हो जाती है उन सभी को एक साथ जलाना। सैलाब यानी बाढ़, यानी जो पानी का बाढ़ आता है उसे सैलाब कहा जाता है। और इसमें कुछ मुहावरे भी है, जैसे दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई पड़ना यानी दिखाई देना, और दूसरा है दस्तक देना यानी दरवाजा खटखटाना, ऐसे कुछ शब्द हैं।